ओके तो मेरे प्यारे सिनेमा एडिक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर खबड़ी यूनिवर्स एपिसोड 8। सॉरी, पिछले हफ्ते दीदी की शादी थी, इसलिए हमारी इस यूट्यूब चैनल ने काफी लंबा वीकेंड का मजा ले लिया। खैर, अब जो हो चुका है सो हो चुका है। लंबा वीकेंड का मजा बहुत ले लिया, आराम बहुत कर लिया, अब काम करने की बारी है। सो इतना सोच के क्या होगा, हम एंटर करते हैं इंडियन सिनेमा के ताजा गर्मा गर्म खबरों की तरफ। ओ भाई सॉरी, असली बात तो बताना ही भूल गया, मैं इस टाइम में अपने घर पे नहीं हूँ, बहुत दूर पे कहीं पर ट्रेवल कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे एक ही बैकग्राउंड देख देख कर शायद आप पक भी चुके होंगे, तो थोड़ा सा सफेद बैकग्राउंड भी देख लो। छोड़ो सभी परेशानियों को भाड़ में डाल के चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीतीश तिवारी के रामायण के अनऑफिशियल बजट को हमने क्रैक कर लिया है, जो कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 100 मिलियन US डॉलर बताया जा रहा है, विच मीन्स 835 करोड़, जिसे आप इस टाइम के लिए इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मूवी मान सकते हैं आफ्टर लॉर्ड आदिपुरुष। ओके नो प्रॉब्लम, 600 करोड़ में कोई टट्टी प्रोवाइड कर रहा है तो 835 करोड़ में कोई हड्डी प्रोवाइड भी कर देना, वही काफी है। बस पिक्चर अच्छा बनना चाहिए, नहीं तो आपको पता है। कमल हसन स्टारर इंडियन 2, जो पहले जून में रिलीज होने वाली थी, पर पता नहीं मेकर 0.25x स्पीड पे क्या सा पिक्चर बना रहे हैं कि इतना लेट हो रहा है। यार इस मूवी का काम क्यों नहीं खत्म हो रहा है? लोकेश कनगराज की विक्रम मूवी शूट होने से पहले इंडियन 2 का काम चालू हो चुका था, पर वो विक्रम मूवी रिलीज हुए आज 2 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है और ये इंडियन 2 डिले पे डिले। क्या चल रहा है यार? क्या रूमर्स तो है कि ये जून से डिले होकर 17 जुलाई को शिफ्ट होने वाला है। लेट्स सी आखिरकार ये इंडियन 2 रिलीज होता है या फिर नहीं। फिर इसके बाद बहुत ही ताजा गर्मा गर्म खबर आ रहा है कि हमारे एनटीआर भाई साहब के देवारा मूवी का फर्स्ट सिंगल आने वाला है, विच मीन्स फर्स्ट रेडिकल सॉन्ग, जैसा कि पुष्पा का आया था और हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का भी आया था। बताया जा रहा है कि एनटीआर भाई साहब के बर्थडे के मौके पर यानी 20 मई को इसे रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि ये मूवी रिलीज होने में अभी काफी टाइम बाकी है, पर फिर भी मेकर्स हाइप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी इसका फर्स्ट सिंगल यूनिक होगा, ये कंफर्म समझ के रख लो, क्योंकि मूवी का म्यूजिक कौन दे रहे हैं? हमारे अनिरुद्ध भाई साहब। खैर, आपको मुन्ना भाई MBBS याद है ना, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की ऑल टाइम कल्ट क्लासिक 2 पिक्चर। इवन मुन्ना भाई और सर्किट के कॉन्वर्सेशन में जो कॉमेडी बाहर निकलता है, वो आज भी हम ऑडियंस को डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करता है, फ्रेश फीलिंग देता है। करोड़ों मीम के साथ क्या कमाल का दोनों पिक्चर था, आपको याद होगा ना? याद कर लो, क्योंकि गुड न्यूज इज लोडिंग, मुन्ना भाई चले अमेरिका इज लोडिंग। स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुन्ना भाई 3 मूवी का 3 अलग अलग स्क्रिप्ट डन किया गया, जिसमें से डायरेक्टर राजू हिरानी मुन्ना भाई 3 पिक्चर के लिए 1 स्क्रिप्ट को डन करेंगे। और आपको याद नहीं है तो मुन्ना भाई 3 पिक्चर को सालों पहले अनाउंस कर दिया गया था, पर वो कभी बने ही नहीं। पर शायद गदर 2 मूवी के सक्सेस को देखते हुए हमारे राजू हिरानी भाई साहब मे भी मुन्ना भाई पार्ट 3 के लिए एक सीरियस स्टेप ले लेंगे, क्योंकि डंकी मूवी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, मतलब किया था मगर उस लेवल का नहीं किया था जैसा कि हमने सोचा था। सो राजू हिरानी ऐसा कुछ प्लानिंग तो जरूर कर सकते हैं अपने अपकमिंग मूवीज के मैसिव सक्सेस को देखते हुए। लेट्स सी हमारे मुन्ना भाई और सर्किट का केमिस्ट्री फिर दोबारा कभी देखने को मिल पाता है या नहीं। फिर इसके बाद ये वीडियो में रिकॉर्ड ही करने जा रहा था और पंचायत सीजन 3 का ट्रेलर ड्रॉप हो गया। मैं बता रहा हूँ भाई, ये सीजन भी काफी धांसू होने वाला है, ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया। आपको नहीं पता तो मेकर्स ने पहले ही कह दिया है कि पंचायत सीजन 3 का ये कहानी एक ही सीजन में कंप्लीट किया जाएगा, ना कि एक एक एपिसोड में अलग अलग कहानी दिया जाएगा, नहीं, एक ही कहानी एक ही ओवरऑल सीजन को कंटिन्यू करेगा। फिर भी आप पंचायत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस वेब सीरीज को आप जरूर चेकआउट करो, आपको मजा आ जाएगा। देन हमारे भाईजान की सिकंदर मूवी का लीड एक्ट्रेस फाइनल हो चुका है, जो कि है इंडिया की नेशनल क्रिंज बिफोर तिमटिमड़ी, रश्मिका मंदाना। बताओ अब क्या बताऊं यार, सच बताऊं तो ये कास्टिंग कुछ सही नहीं तो बैठ रहा भाई। सलमान खान भाईजान के ऑपोजिट रश्मिका मंदाना, ये कैसे फिट होगा भाई? हालांकि भाईजान हमारे इससे पहले दिशा पटानी और पूजा हेगड़े जैसे एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, पर फिर भी रश्मिका मंदाना, नहीं यार ये ठीक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। पता नहीं गजनी जैसे मूवीज बनाने वाले एयर मुर्गदा सिकंदर मूवी के लिए आसमान से गिरते हुए रश्मिका पे क्यों अटक गए, पता नहीं भाई। ये बहुत ही मेडियोकर कास्टिंग साबित होने वाला है भाई, मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद लफरा लफरा लफरा, हमारे थगेश भाई के भाषा में ई लफरा, वो भी अक्षय कुमार और अरशद वारसी की अपकमिंग पिक्चर जॉली LLB 3 के साथ। तो भाई हुआ ये कि पिक्चर का शूटिंग हुआ ही था,
पिक्चर के शूटिंग को बंद ही करवा दिया गया। बताओ क्यों? क्योंकि पिछले दोनों जॉली एलएलबी मूवीज ने कोर्ट के बहुत सारे नियमों का बहुत ही बुरी तरीके से मजाक उड़ा दिया था, जो इस मूवी के यूए सर्टिफाइड रेटिंग के लिए रुकावट पैदा कर रहा था। इसलिए मूवी के मेकर्स राइटिंग में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से कुछ टाइम के लिए जॉली एलएलबी 3 मूवी का शूटिंग रुक चुका है। इसके बाद रणबीर सिंह और प्रशांत वर्मा की अपकमिंग मूवी राक्षस का बजट पता चल चुका है, जो कि 300 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। भाई यार, ये पिक्चर प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है, और इस यूनिवर्स का फर्स्ट मूवी हनुमान का बजट था सिर्फ 50 मिलियन US डॉलर नहीं बल्कि 50 करोड़, और मूवी ने अच्छा खासा पैसा भी कमाया था, लगभग 300 करोड़। इसलिए मेकर्स ने क्या किया, वही 300 करोड़ बजट उन्होंने राक्षस मूवी पे फूंक डाला, विच मीन्स प्रोड्यूसर इस बार प्रशांत वर्मा के ऊपर 100% भरोसा कर रहे हैं कि रणवीर सिंह जैसे एक्टर उन्हें 300 का डबल 600 करके देंगे। आपको क्या लगता है, रणवीर सिंह जैसे एक्टर 600 करोड़ कमाने वाली पिक्चर दे सकते हैं? एंड हमारे थलाइवर 171 यानी कुली का राइटिंग कंप्लीट हो चुका है। मूवी के फर्स्ट हाफ का राइटिंग लोकेश कनगराज भाई साहब ने डन कर लिया है, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे लोकेश कनगराज भाई साहब जल्द से जल्द इसके राइटिंग को कंप्लीट करके शूटिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस मूवी को जल्द से जल्द खत्म करके कैची 2 पे एंटर करना है। Let's see, इस पिक्चर का काम कितना जल्दी खत्म हो पाता है और पिक्चर हमें कितनी जल्दी देखने को मिलता है। ओ भाई साहब, एक इंटरेस्टिंग बेसरम न्यूज तो मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं। थलापति विजय की लियो, रजनीकांत की जेलर और ब्रह्मयुगम जैसे मूवीज की रीमेक के राइट्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसर। मतलब इससे निर्लज्जता बॉलीवुड के लिए और क्या ही हो सकता है यार। 600-600-1200 करोड़ कमाया था लियो और जेलर मिलकर। शायद ही इंडिया में कोई ऑडियंस रह गया है इन दोनों मूवीज को देखने में, फिर भी बॉलीवुड वाले इनका रीमेक बनाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, पिक्चर अच्छा बने या ना बने, एक ही मकसद है इनका, पैसा कमाना। आपको क्या लगता है, ये बॉलीवुड रीमेक का धंधा कब बंद करेगा? इसके बाद फैमिली मैन सीजन 3 का पता चल चुका है कि कुछ ही दिन पहले इसका शूटिंग स्टार्ट हुआ है। जी हाँ, शूटिंग, विच मींस मूवी का फिल्मिंग स्टार्ट हुआ है। मेकर्स ने ये फोटो डालकर वो चीज कंफर्म किया है। मतलब समझ लो, फैमिली मैन सीजन 3 आने में अभी 1 साल से भी ज्यादा टाइम बाकी है। भाई यार, राजन डीके क्या ही कर रहे हो तुम लोग। माना कि आप लोगों का फर्जी काफी अच्छा आ गया, माना कि आप लोगों का गंसन गुलाब काफी अच्छा आ गया, माना कि आप लोगों ने सिटेडल बनाया है और वो इसी साल रिलीज होने वाला है, पर आपने फैमिली मैन को इतना इग्नोर क्यों मारा भाई? वो आप लोगों का टर्निंग पॉइंट था, ये नहीं करना चाहिए था। हम फैंस को आप लोगों ने डिसअपॉइंट किया, नहीं करना चाहिए था। खैर, हम आपके कंटेंट से प्यार करते हैं, अब जब भी लाओगे हम देखेंगे जरूर। ऐसे ये फैमिली मैन जैसे डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ राजन डीके ही नहीं, हमारे प्रशांत नील भाई साहब भी प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसेंटली प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू के दौरान क्लियरली कह दिया है कि KGF 3 आएगा, मगर इंतजार करना होगा सबको, इवन काफी लंबा इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा है कि KGF 3 काफी ह्यूज और मैसिव प्रोजेक्ट है, सो उस पिक्चर को बनाने के लिए स्टोरी में काफी डेप्थ और पोटेंशियल रहना कंपलसरी है, जिस वजह से उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए। वो सलार 2 को कंप्लीट करना चाहते हैं, NTR 31 को कंप्लीट करना चाहते हैं, तब जाके वो शांत बैठ के KGF 2 का, मतलब KGF 3 का स्टोरी कंप्लीट करेंगे, तब जाके वो पिक्चर बना पाएंगे। मतलब समझ लो, जेम्स कैमरॉन, इंडिया का जेम्स कैमरॉन हमारे आ चुके हैं प्रशांत नील। जिंदगी भर अवतार ही अवतार बनाएंगे, और हमारे प्रशांत नील भी KGF ही KGF बनाते जाएंगे। ओके, तो हम वीडियो के क्लाइमैक्स पे आ चुके हैं, तो फाइनल बैटल में बॉर्डर 2 की बात कर लेते हैं। हमारे आयुष्मान खुराना को बॉर्डर 2 में कास्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि हमारे सनी पाजी लाहौर 1947 को खत्म करते ही बॉर्डर 2 पिक्चर के लिए ऑन बोर्ड हो जाएंगे, कि आफ्टर गदर 2 बॉर्डर 2 उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। पिक्चर को रिलीज करने का प्लानिंग वो 2026 में ही कर रहे हैं, ये 100% कंफर्म है। लेट्स सी सनी पाजी की ये 2.5 किलो का वादा कितना सच होता है। फाइनली हमारे खबड़ी यूनिवर्स की फाइनल न्यूज की वक्त हो चुका है, जो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव रिलेटेड है। ब्रह्मास्त्र मूवी के क्रिएटर आयन मुखर्जी ने एक ही साथ दोनों एक्टर को देव के कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया है, नंबर 1 रणबीर सिंह, नंबर 2 ऋतिक रोशन। ऑल्दो दोनों ही कास्टिंग काफी प्रॉमिसिंग है, मगर इन दोनों में से एक ही एक्टर को कास्ट किया जाएगा। वो कौन है वो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, पर आप तो बता सकते हो ना कि वो एक्टर कौन हो सकता है, रणबीर सिंह या फिर ऋतिक रोशन।
मेरे अकॉर्डिंग दोनों में से कोई बन जाए प्रॉब्लम नहीं है भाई। ऋतिक रोशन भाई अलग ही लेवल के एक्टर हैं और रणवीर सिंह अपने परफॉर्मेंस के द्वारा बवाल कर देंगे। बस खत्म, लाइक सब्सक्राइब। सॉरी भाई मैं इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद मैं कंफर्टेबली आपसे बात नहीं कर पाया। मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो फील कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं अपने खुद के लोकेशन में नहीं हूँ और अपने घर पे वीडियो बनाने का और बात करने का एक अलग माहौल होता है, वो माहौल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।